क्या आप भी अपने SSC MTS का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं? क्या आपने डाउनलोड कर लिए हैं? क्या आप साइबर कैफे जा रहे हैं? क्या आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं? क्या आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हैं? तो रुकिए रुकिए रुकिए, सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद ही डाउनलोड कीजिए। आपकी एक छोटी सी गलती से आपके एडमिट कार्ड को लॉक हो सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि SSC ने एक नोटिस जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड को लॉक किए जा सकते हैं। तो कौन सी गलती है, अगर हम कौन सी गलती कर देंगे कि हमारा एडमिट कार्ड को लॉक हो सकते हैं और हम इस एग्जाम से वंचित हो सकते हैं दोस्तों, तो दिल थाम के बैठे रहे। इस वीडियो में हम इसी चीज को आप सभी के पास प्रस्तुत करने वाले और पूरी जानकारी डिटेल्स में देने वाले, और अंतिम में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप सभी का एडमिट कार्ड लॉक हो चुके हैं तो आपको उसको अनलॉक किस प्रकार से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बार बार पूछे जा रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड लॉक हो गया है, हमारा एडमिट कार्ड लॉक हो गया है, तो हम उसे अनलॉक कैसे करेंगे, हम किस प्रकार से उसको जो है डाउनलोड फिर से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लॉक हो जाते हैं तो आप अपने एडमिट कार्ड खो देंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद लगे तो लाइक तो करिएगा करिएगा, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि आप SSC की पल पल खबर को जानने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि SSC MTS का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए और बहुत सारे बच्चे जो है डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड लॉक भी हो जा रहे हैं, यह भी कमेंट बॉक्स पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं। तो अगर आपका भी एडमिट कार्ड लॉक हो गई है या डाउनलोड करने जा रहे हैं तो भी इस वीडियो को सबसे पहले देख ले, ताकि क्या सावधानी बरतें ताकि आपका भी लॉक ना हो जाए। तो दोस्तों जो बाकी लोग गलतियां कर रहे हैं वे गलतियां आप कृपया करके ना करें, एक छोटी सी गलती और लोगों की एडमिट कार्ड लॉक हो रही है। तो दोस्तों आप भी दिल थाम के बैठ रहे हैं, यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि आपको किस प्रकार से करने हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती और लोगों की एडमिट कार्ड लॉक्ड हो रहे हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर बने रहे हमारे साथ, हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे आप सभी के पास यहाँ प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों यहाँ से हम सही जानकारी आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप भी हमारे अनुसार ही आप डाउनलोड करें, तो एक छोटी सी गलती और एडमिट कार्ड लॉक हो सकते हैं। आप भी यहाँ से सही जानकारी लें, वरना आपके भी एडमिट कार्ड लॉक हो सकते हैं। तो अगर अनलॉक करना चाहते हैं दोस्तों तो सिंपली आपको क्या करने होंगे, इस आज का सवाल को कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर आप दें, ताकि आपका एडमिट कार्ड लॉक ना हो, और जब भी आपका एडमिट कार्ड देने डाउनलोड करने जाएं तो लॉक ना हो, अगर लॉक हो गई है तो अनलॉक हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे देते हैं तो, और SSC के MTS फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही आपका निकल जाएंगे। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, अर्जुन पुरस्कार देना कब स्टार्ट हुआ था, 1989 में हुआ था, 1899 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1997 में हुआ था, किस वर्ष हुआ था दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए अगर आप SSC MTS का परीक्षा देने चाहते हैं तो। तो चलिए दोस्तों अब सावधानी बरतेंगे कि क्या आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका एडमिट कार्ड लॉक ना हो, और अंतिम में बताएंगे कि आप अपने एडमिट कार्ड को अनलॉक किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिल थाम के बैठे रहिएगा, यहाँ पर हम SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को ले जा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा का लिखे हुए हैं कि आप किस प्रकार से आप करेंगे गलतियां तो आपके एडमिट कार्ड को लॉक हो सकते हैं। यहां पर हम कंप्लीट जानकारी आप सभी के पास दोस्तों शेयर करने वाले, इसलिए जानकारी को पूरा ले। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन सी जानकारी है जिसके कारण जो है लोगों के एडमिट कार्ड लॉक हो सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि SSC ने अपने एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी भी रीजनल वेबसाइट से जाकर वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड को सिंपली वन क्लिक करके दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जैसे आप डाउनलोड करने के लिंक पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि वार्निंग स्टेटस है दोस्तों, यह बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके एडमिट कार्ड को यहाँ पर लॉक किए जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम
कंप्लीट जानकारी देंगे और आप यहाँ पर भी कंप्लीट जानकारी ले। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, वार्निंग में लिखे गए यहाँ पर कि वार्निंग, डियर कैंडिडेट प्लीज़ डू नॉट मल्टीपल डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। इन केस ऑफ मल्टीपल डाउनलोड ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, SSC मे लॉक्ड योर फ्रॉम डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फर्दर। यानी कि अगर आप मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा अगर आप बार डाउनलोड करते हैं तो आपका SSC आपके एडमिट कार्ड को लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बार बार एडमिट कार्ड को डाउनलोड ना करें। अगर आप मोबाइल में PDF को डाउनलोड कर लिए तो उसी PDF को आप साइबर कैफे में जाकर वहां से आप उसी से प्रिंट करवाएं। ऐसा ना हो कि वहां आपका अलग से डाउनलोड करने के लिए SSC का वेबसाइट का सहारा लेंगे। ऐसा गलती आप ना करें, अदरवाइज आपके एडमिट कार्ड को लॉक हो सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन से वंचित हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अनलॉक करना चाहते हैं कि आपका ब्लॉक ना हो, अगर ब्लॉक हो चुके हैं तो अनब्लॉक किस प्रकार से करेंगे, उसको फिर अनलॉक किस प्रकार से करेंगे, दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़े हुए हैं। कमेंट करके आप हमें से पूछें कि हमारा जो है एडमिट कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, हमारा एडमिट कार्ड लॉक हो चुके हैं तो हम उसको अनलॉक किस प्रकार से करेंगे, हम अनब्लॉकिंग किस प्रकार से करेंगे, कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसीलिए वीडियो के साथ जरूर से ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह एक छोटी सी जानकारी थी जो बहुत सारे लोगों यह नज़रअंदाज कर देते हैं और बार बार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं डाउनलोड कर रहे हैं, कभी इसको बता रहे हैं, कभी उसको बता रहे हैं, कभी इसको अपना आईडी दे रहे हैं, कभी उसको पासवर्ड दे रहे हैं, तो सब कोई क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डाउनलोडिंग हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड को लॉक किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों आप सभी ऐसा गलती ना करें अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं तो। आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। SSC की पल-पल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर से जरूर मिल पाए। अगर आप SSC का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे दोस्तों तो नीचे आप हमें नाम दें, फादर्स नेम दें, अपना नाम डालें, फिर फादर्स नाम डालें, फिर मदर्स नेम डालें और अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और इसके साथ साथ अपना रीजनल भी बताएं कि आप किस रीजनल से बिलोंग करते हैं। हम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों अगर आपको समस्या हो रही है तो ही ऐसा काम करें, अदरवाइज आप खुद से कोशिश करें कि आप अपने एडमिट कार्ड को खुद से डाउनलोड कर लें। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।